नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आपको जीरोधा काइट का जो साइट है हम लोग कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी जीरोधा जो काइट जो पोर्टल है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, जो नए लोग हैं उनको मालूम नहीं होता है कि कैसे यूज करना है, कैसे अकाउंट खोलना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इस चैनल में नया है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ नया स्टॉक के बारे में जानकारी मिलता रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपने अगर जीरोधा का वेबसाइट ओपन, मतलब अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, तो जीरोधा का हो चाहे अपस्टॉक का हो चाहे एंजल ब्रोकिंग का हो, किसी का भी हो, आप ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो जो पोर्टल अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जीरोधा में कैसे क्या सेटिंग करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू में हम लोग कैसे मूविंग एवरेज वगैरह सेटिंग करके, ताकि हम लोग ट्रेड करते हैं जो भी बाकी सारे चीज़ मेजर वगैरह करना है वो कर सकते हैं, तो वैसे ही मैं अभी जीरोधा में भी आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद में तो यहाँ पर जाके तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यू विथ काइट करेंगे। काइट करने के बाद में तो फिर आप यहाँ पर जाके अपना डिटेल्स वगैरह भर के तो फिर आप KYC कंप्लीट करके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हो गया उसके बाद में फिर क्या करेंगे, आपको लॉगिन का पेज हो जाएगा। तो लॉगिन का पेज में अगर साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे, तो फिर आप ये नेक्स्ट पेज में इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये किसी हमारा दोस्त का अकाउंट है, किसी रिलेटिव का अकाउंट है, उन्हीं का अकाउंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आपको डेमो बताने के लिए। अगर ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट में आप क्या करेंगे कि आपने जो भी बैलेंस डाला होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग जो होगा होल्डिंग भी इधर शो हो जाएगा, यहाँ पे कितना स्टॉक्स आप होल्डिंग है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपका करंट बैलेंस कितना, इन्वेस्टमेंट कितना और अभी करंट वैल्यू कितना इधर शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर आपका जो जो सेम डे पे जो आपने बाई किया होगा इधर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल्डिंग में इधर शो हो जाएगा, होल्डिंग में मैंने यहाँ पे स्मॉल कैश कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे स्टॉक आपको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने इसको हाइड करके रखा हूँ। यहाँ पे सेम डे पे अगर कोई स्टॉक खरीदा होगा तो यहाँ पे आपको पोजीशन में दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फंड है, आपने कितना फंड अगर ऐड करते हैं सेम डे पे आपको इधर फंड दिखाएगा, तो मार्जिन कितना यूज होगा, कितना अवेलेबल बचा हुआ है सब इधर आपको बताएगा। तो इसके बाद में आप जब जाएंगे कोई एक स्टॉक का अगर मूविंग एवरेज लगाने के लिए तो इधर आप जाएंगे। इधर जाने के बाद में सपोज हम लोग जाएंगे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूवी एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, कोई अगर स्टॉक को हमें वॉच लिस्ट में डालना है तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर कोई दूसरा एक कंपनी डालना है, सपोज़ टाइटन डालना है, इधर जाके टाइटन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे प्लस में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर सपोज़ और कोई स्टॉक लेना है, सपोज़ हमें TCS लेना है तो TCS इधर लिखना है और ये जो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ ऐड लिखा हुआ वहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐसे वॉच लिस्ट हमारा 5 वॉच लिस्ट रहता है मतलब जीरोधा में। ठीक है, तो हमने एक वॉच लिस्ट अभी यूज़ किया है, अभी यूज़ कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जब जाएंगे यहाँ पे बाय का सिग्नल होता है, यहाँ पे सेल का सिग्नल होता है। अभी तो मार्केट बंद है, मार्केट आवर में जब चलेंगे इधर बाय करेंगे, यहाँ पे बाय का टाइम पे ये आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, हम तो इंट्राडे के लिए नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे का मतलब सेम डे पे ख़रीदना होता है, सेम डे पे बेचना होता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो इधर ही सिलेक्ट करेंगे। आपको बाइंग प्राइस कितना रखना है तो आपका हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज़ 2350 पे बाइंग करना है तो कितना स्टॉक बाइंग करना है तो उस हिसाब से स्टॉक का क्वांटिटी डाल देंगे, उसके बाद में बाय यहाँ पे कर देंगे तो फिर आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसके बाद में फिर सेल कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आप, इधर जाके यहाँ पे सेल बटन पे क्लिक करेंगे। सेल बटन पे क्लिक करने के बाद में सेल पे क्या करेंगे आप, सेल बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जब जाएंगे लिमिटेड में करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, उसके बाद में कितना रेट पे सेल करना है, सपोज़ आपको जितना भी रेट है उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा उस हिसाब से आपको कितना रेट पे सेल करना है तो उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में क्वांटिटी आप सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद में सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब सेल करेंगे तो उसके बाद में वो स्टॉक उस प्राइस पे जब जितना टाइम पे आ जाएगा उस टाइम पे सेल हो जाएगा। ये हो गया बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे तो वहाँ पर मूविंग एवरेज कैसे हम सेट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे कोई भी स्टॉक ओपन करेंगे, सपोज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद में
यहाँ पे स्टॉक का चार्ट ओपन करने के बाद में, सपोज आपने टाइटन का ओपन किया, नहीं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ओपन किया, यहाँ पे चार्ट चार्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पे स्टडी में जाएंगे। स्टडी में जाने के बाद में यहाँ पे मूविंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मूविंग जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मूविंग सिलेक्ट करने के बाद में मूविंग एवरेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको कौन सा मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है, सपोज 20 का मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे ही सेटिंग करना है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, कौन सा कलर रखना है आपका, आपको वो मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डन कर दिया, तो मतलब ये 20 मूविंग एवरेज अभी सेट हो गया। ये सब वन डे कैंडल स्टिक पर हम लोग सिलेक्ट किया है। उसके बाद में फिर इसमें जाएंगे स्टडी पे, फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सिलेक्ट करेंगे 50, 50 मूविंग एवरेज है। उसके बाद में क्लोजिंग बेसिस सिंपल मूविंग एवरेज है, और रेड कलर का रख दिया कलर। उसके बाद में ओके कर दिया। उसके बाद में फिर जाएंगे यहाँ पे, फिर मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज लेंगे। उसके बाद में सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे ब्लैक हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे तीनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमारा क्राइटेरिया होता है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 200 डे के पास में बाई करते हैं, उसके बाद में जब हाई के प्राइस चला जाता है उस टाइम पे सेल कर लेते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना परसेंटेज का गेन है, तो मेजर करने के लिए आप इधर जा सकते हैं ड्रॉ के पास में। यहाँ पे मेजर का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, यहाँ पे मेजर के पास में, इधर मेजर मेजर आप करेंगे। मेजर करने के बाद में सपोज यहाँ से आपने खरीदा हुआ है तो हाई के पास सेल करना है, तो यहाँ तक का कितना परसेंटेज अगर देखना चाहेंगे तो आप इधर देख सकते हैं। 77 डेज है और 15% गेन है यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद में सपोज यहाँ पे एक देखना है, तो यहाँ पे सपोज लिया हुआ है आपने, यहाँ पे सिलेक्ट किए, उसके बाद में सपोज यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में लिया हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 14% है, 38 डेज, ठीक है। ये सिलेक्ट ऐसे ही करके आपको मेजर कर सकते हैं। अगर कोई लाइन ड्रॉ करना है तो इस हिसाब से आप लाइन भी इधर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आप देखेंगे कि कोई सपोर्ट प्राइस पे आ जाएगा तो हम फिर बाई कर लेंगे, ये जैसे सपोर्ट प्राइस यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर जाके यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करने के बाद में ये एक सपोर्ट ड्रॉ करना है सपोज आपको, तो इधर सपोर्ट आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ऐसे इधर लाइन सिलेक्ट करके यहाँ पे सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, इधर सपोर्ट पे चला जाएगा तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका मेजर कर सकते हैं। अगर उसको मेजर करना है कितना परसेंटेज है, तो यहाँ से परसेंटेज पे लिया, मेजर से यहाँ से क्लिक किए, इधर ऊपर तक गए, ठीक है। 17 डेज 9% का, 8% का गेन है, ठीक है। ये सब ऐसे मेजर करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे वन डे का कैंडल स्टिक है, अगर आपको 1 आवर्स का लगाना है तो यहाँ पे 1 आवर्स का लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 वीक का लगाना है तो 1 वीक का लगा सकते हैं, 1 मंथ का लगाना है तो 1 मंथ का लगा सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ का लगा के आप देख सकते हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट क्या है, 2017 में इसका प्राइस क्या था, अभी का प्राइस क्या है। 2007 में 830 रुपीज़ का था, अभी 2500 का प्राइस चल रहा है, तो मतलब ये 4 ईयर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मूविंग एवरेज आपने देख लिया। मूविंग एवरेज के बाद में फिर हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे, अगर इसको सब चार्ट को हटाना है तो यहाँ पे डिलीट क्लिक कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर कैंडल स्टिक वन वन डे का कैंडल स्टिक पे चलेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे RSI सेट करेंगे, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में देख रहे थे RSI कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये हटाना है, ये जो लाइनिंग है हटाना है मेजरमेंट का, ये यहाँ पे ड्रॉ के ऊपर में क्लिक कर देंगे, वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, RSI आप सेट करेंगे कि RSI के हिसाब से आपको बाय और सेल करना है, तो RSI, यहाँ पे RSI जाएंगे, RSI पे क्लिक करेंगे, ठीक है। RSI पे जब क्लिक करेंगे वहाँ पे RSI का सेटिंग होता है, इधर सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद में 14 डेज का RSI वो डिफ़ॉल्ट में रहता है, तो उसको 14 डेज पे ही रहने देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ओवरबॉट में हम क्या करेंगे, ओवरबॉट पे यहाँ पे डाल देंगे, 80 पे जब चला जाएगा हम सेल कर देंगे, और यहाँ पे ओवरबॉट में 30 रख, जो ओवरसोल्ड में 30 रखते हैं, 30 के पास में हम लोग बाय करेंगे। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे देंगे, यहाँ पे रेड सिग्नल दे देंगे, यहाँ पे जब चला जाएगा हम सेल कर देंगे,
यहाँ पे जब 20 पे जब 30 पे जब आएगा हम बाय कर देंगे, ठीक है। नहीं तो ओवरबॉट को हम 75 भी रख सकते हैं, 75 में रखेंगे तो फिर सेल भी कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे 75 आया है, कहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया है हिंदुस्तान लीवर में, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखिए RSI, यहाँ पे देखिए आपको 28 पे अवेलेबल था, इस टाइम पे हम बाय कर सकते थे। यहाँ पे बिल्कुल आपको मूविंग एवरेज भी सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे RSI भी सिग्नल दे रहा है, तो इस हिसाब से अगर जाएंगे ऐसे ही बाई कर सकते हैं। सो फिर सेल कैसे करना है, सेल पे देखिए यहाँ पे जब जाएंगे यहाँ पे 71 तक RSI चला गया था, यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। नहीं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 75 का है RSI, सॉरी 80 का RSI है, यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप बिल्कुल लो प्राइस पे बाई कर सकते हैं, और उसी हिसाब से जब ओवरबॉट जोन पे चला जाएगा उस टाइम पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो फिर इसको हम यहाँ पे 70 70 भी कर सकते हैं, तो 30 पे हम बाई करेंगे और 70 पे सेल करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 70 शो हो रहा है, यहाँ पे 70 शो हो रहा है, तो यहाँ पे 70 पे जब चला जाएगा तब सेल कर देंगे, और यहाँ पे जब 20 पे आएगा तब बाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए जब 30 पे आएगा तब बाई कर देंगे और 70 पे सेल कर देंगे। उसके बाद में और एक चार्ट पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे टाइटन का। तो टाइटन का जब देखेंगे, ये टाइटन है, टाइटन का देखिए यहाँ पे 80 का चल रहा था, 75 का चल रहा था, इस टाइम पे हमें सेल का सिग्नल आ चुका था तो सेल कर देना चाहिए। यहाँ पे हम फिर देखेंगे कि बाइंग का सिग्नल कहाँ पे दे रहा है, तो उस हिसाब से बाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो बाई का सिग्नल दिया हुआ है, इस टाइम पे बाई हमें करना चाहिए, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया हुआ है RSI में, बाई का सिग्नल यहाँ पे 26 पे बाइंग का सिग्नल है, तो यहीं पे हम बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे ओवरबॉट आ गया, इतना दिन कम दिन में हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाई किए और इधर से लिए, और यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन आ गया, यहाँ पे सेल कर दिए। 21% का बेनिफिट है और 31 कैंडल है, तो मतलब 1 मंथ का पीरियड है, ठीक है। 1 मंथ में हमारे को 25% का गेन मिल गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे RSI फिर भी 25 पे 30, हाँ यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 28 RSI। तो यहाँ पे अगर बाई किए होते, यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी हम सेल कर सकते थे RSI का अगर स्ट्रैटेजिक देखा जाएगा तो। नहीं तो हमारा अगर हम देखेंगे मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉक आया नहीं वहाँ तक, ठीक है। तो इस हिसाब से देख के हम लोग RSI का बेस पे हम लोग भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे RSI देखेंगे कहाँ तक आया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे RSI आ चुका है, तो यहाँ पे हम बाई किए होते हैं RSI के हिसाब से, तो यहाँ पे सेल किए होते ओवरबॉट जोन में, अगर यहाँ गया तो यहाँ पे भी सेल कर दिए होते। 29% 74 डेज है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो यही मतलब आपको यही चीज़ आपको बताना था, कैसे हम लोग जीरोधा में अकाउंट ओपन करके ये सारा चीज़ रिसर्च करके हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। ये RSI का भी सेटिंग बता दिया, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का सेटिंग बता दिया, और कैसे मेजर करते हैं वो भी बता दिया, यहाँ पे लाइंस की वगैरह कैसे ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन वो भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। यही बस था, आपको यही चीज़ बताना था, जो नया लोग हैं वो कर सकते हैं, अपनी आप रिसर्च करके कुछ खुद ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे जीरोधा में। बस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ आपको सुझाव है या आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।